जनपद मुरादाबाद की कांड तहसील में तहसीलवार एसोसिएशन कांड की नई कार्यकारिणी के लिए शुक्रवार को मतदान हुआ, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए 6 मतों से प्रमोद कुमार एडवोकेट एवं महासचिव के लिए 23 मतों से शुभम सिंह एडवोकेट को विजय घोषित किया गया। आपको बता दें कि शुक्रवार को एल्डर कमेटी चुनाव समिति के प्रदीप कुमार एडवोकेट, शहजाद रफीक खां व संजीव कुमार एडवोकेट ने तहसीलवार एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी के लिए सुबह 11 बजे से 2:30 बजे तक चुनाव कराया, जिसमें 86 मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। मतदान पूरा होने के बाद लगभग शाम तीन बजे से शाम 4 बजे तक मतगणना हुई, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए प्रमोद कुमार एडवोकेट ने 6 मतों से जीत हासिल की, तो वही महासचिव पद के लिए शुगम सिंह एडवोकेट को 23 मतों से विजयी घोषित किया और वही वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर मोहम्मद इकबाल एडवोकेट ने 14 मतों से बाजी मारी। सभी विजयी सदस्यों को 10 जनवरी को शपथ दिलाई जाएगी। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से कांड थाना प्रभारी राम प्रसाद शर्मा, चौकी इंचार्ज शबीर सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए नवनिर्वाचित तहसीलवार एसोसिएशन अध्यक्ष प्रमोद कुमार ने क्या कुछ कहा, सुनिए। बार एसोसिएशन कांड के अध्यक्ष बने हैं, इस मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं अपने बार के संगठन को मजबूत करूंगा और अधिवक्ता हित और बार हित में काम करूंगा और मेरा प्रयास होगा कि बार और बेंच में सामंजस्य बैठे और सब मिलकर काम करें और जनहित में काम करूंगा और लोगों को सुलभ और सस्ता न्याय दिलाने का काम करूंगा और अधिकारी से यदि कोई मतभेद होता है पहले उसे बैठ कर सुलझाव किया जाएगा और नहीं सुलझाएगा तो उसके अन्य विकल्प खोले जाएंगे। धन्यवाद। थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए, आपने वकालत कब से शुरू की और कितना टाइम आप यहाँ प्रैक्टिस करते हो गया, कौन सी जगह आप बैठ कर प्रैक्टिस करते हैं? कितनी बार अध्यक्ष? हाँ, मैंने वकालत 1990 से की है और मैं लगभग 7-8 वर्ष अमरोहा बैठा हूँ और 24 वर्ष मुझे यहाँ बैठते हो गए और इस टाइम वर्तमान में कांठ में बैठ रहा हूँ। इससे पहले भी आपने कुछ चुनाव लड़ा? इससे पहले मैं एक बार अध्यक्ष बन चुका हूँ। अध्यक्ष बन चुके हैं। अच्छा, कितने मतों से जीत प्राप्त किया आपने? 6 वोट। कौन मुकाबले था आपका? 86 वोट है टोटल। टोटल 86 मुकाबले मिले हैं। आपके मुकाबले में कौन थे? अयूब भाई, मोहम्मद अयूब साहब आपके प्रतिद्वंदी थे। जी जी। तो आपने 6 वोटों जीत हासिल की है, इसके बार के लिए और अपने क्लाइंट्स के लिए, बेंच के लिए, दूसरों के लिए क्या करेंगे आप अध्यक्ष बनने के बाद? मैं वार के लिए जो है यही होगा कि सब हमारा संगठन वार संगठित रहे और वार में जो भी मतलब वार का बेंच का सामंजस्य बैठा जाएगा और यदि सामंजस्य में कोई कमी आती है तो मिलजुल कर हम इस कमी को वार बेंच में मिलकर दूर करेंगे।